हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज कुछ स्पेशल नवरात्रि का नाश्ता बना रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में। कुकर में एक चम्मच घी डालकर, थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन देकर, 2 से 3 आलू काटकर मैं फ्राई कर रही हूँ। और इधर इसका मसाला तैयार करते हैं। हरा मिर्च, जीरा, टमाटर और थोड़ा सा अदरक और गोल मिर्च। पानी देकर इसे अच्छा पेस्ट तैयार कर लिया है। आलू भून जाने के बाद काबली चना देकर इसे हल्का फ्राई करके और पीसा हुआ मसाला इसमें डाल देना है। और हल्दी स्वाद के अनुसार, नमक, ये सेंधा नमक है जो पूजा में यूज होता है, हल्का चलाकर इस और पानी डालकर इसमें आप 5 से 7 सीटी लगवाएं। और उसके बाद देखिए ये चना बिल्कुल रेडी है। हल्का हल्का इसे मैश कर दें ताकि ये इसका ग्रेवी थिक हो जाए। और धनिया पत्ता डाल दें जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाए। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम चीला की तैयारी करते हैं, जिसे हम छिलका भी बोलते हैं इधर झारखंड में। चावल 2 कप और 1 कप साबूदाना एक साथ मैंने फुला लिया था 1.5 घंटे पहले। और इसका थिक पेस्ट तैयार कर देना है। इसमें जीरा और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और जैसे डोसा का बैटर होता है उस तरह से इसे आपको पीस लेना है। और बेटा को आज कुछ मीठा बोल मन किया खाने का, तो मैं सेवई भी बना रही हूँ। और घी ग्रीस करके तवे पे, ये लोहे का तवा है, इसमें आप छोटे छोटे चीले को बनाएं। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। आप ज़रूर ट्राई करें। और तुरंत बनता है। आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पे ट्राई करें और कमेंट ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।